राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सोनीपत के कथुरा धनाना गोहाना में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रेस से बात करते हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित भाजपा नेताओं के हो रहे विरोध पर बोलते हुए कहा कि किसान 300 किसानों की मौत के बाद भी संयम और अनुशासन से आंदोलन कर रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से किसानों के लिए एक भी शब्द उनकी सहानुभूति के लिए नहीं बोला गया। सरकार ने जो सबसे बड़ी भूल करी है शुरू से, किसानों की मांगों को नकारा और किसानों किसान मानने से नकारा। कभी किसान को खालिस्तानी बताया, कभी किसान को जो है उपद्रवी बताया, कभी आतंकवादी बताया, कभी कांग्रेसी बता दिया, कभी हुड्डा साहब के द्वारा जो है इस तरह की जो बातें कही गई हैं, इस ये सच्चाई ये है जो सरकार को समझनी पड़ेगी। ये आंदोलन, इस आंदोलन का नेतृत्व किसान संगठन कर रहे हैं, देश का किसान इसमें शामिल है। इसका इस लड़ाई का, किसानों की लड़ाई का जनरल भी किसान है और इसका सैनिक भी किसान है, इसका नायक भी किसान है, इसका हीरो भी किसान है। हम एक विपक्ष के राजनीतिक दल के होने के नाते, एक किसान के जो है परिवार से होने के नाते और देश के नागरिक होने के नाते अपने देश के किसान के साथ डट के खड़े हैं। क्या का प्रावधान है और उसकी हर प्रकार से सभी लोग, जो मैं समझता हूँ कि जो हिंसा का कोई साथ नहीं दे सकता, ये एक हमारे संविधान के अंदर है, हमारे देश के कानून की प्रणाली के अंदर है। तो ये शांतिपूर्ण धरने और प्रदर्शन, उनको किस तरीके से लपेटे में लिया जाए, ये मैं समझता हूँ ये और लोकतांत्रिक। सरकार का जो रवैया शुरू से रहा है किसान आंदोलन को लेकर, किसानों की मांग को लेकर, इतना अत्यंत निराशाजनक और अहंकारी, असंवेदनशीलता से भरा हुआ और तानाशाह प्रवृत्ति का रहा है, जो कि एक जो है इसको देख के दुख होता है। मैं सबसे पहले तो, क्योंकि एक हफ्ते पहले संसद का जो सत्र है, संसद का सत्र समाप्त हुआ होली से एक दिन पहले, 15-16 साल से लोगों के आशीर्वाद से मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में वहाँ पे हिस्सा लेने का मौका मिला है। मलिक साहब बैठे हैं, मैं मलिक साहब आदरणीय यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने बहुत लंबे समय तक हमारे क्षेत्र की नुमाइंदगी करी है देश की सबसे बड़ी पंचायत में। मगर आज तक मैं समझता हूँ ऐसा सत्र, इतना निराशाजनक और इतना दुर्भाग्यपूर्ण शायद ही कभी इतिहास में दर्ज हुआ होगा। मैंने तो नहीं देखा अपने जो कार्यकाल मेरा रहा है, मलिक साहब भी उससे 300-300 लोगों की जाने चली गई किसान आंदोलन, 4 महीने से सड़क पे देश का किसान बैठा है, मगर सरकार अहंकार में इतनी डूबी हुई थी कि पूरे सत्र में सबसे पहले किसान की मांग को नकारा, फिर किसान को किसान मानने से नकारा, खालिस्तानी कह दिया और कुछ कह दिया, फिर किसान को इंसान मानने से भी नकार दिया, उनके लिए संवेदना और सहानुभूति का एक शब्द, एक वाक्य भी सरकार की तरफ से, कोई छोटा, कोई जूनियर मंत्री, कोई सांसद खड़ा होकर ये कहता कि भाई हम किसानों की जो है कि परिवार जिनके 300 लोगों की जाने चलेगी उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, सहानुभूति रखते हैं, ये भी कहना, 1 महीना चला बजट का सेशन, मैंने आज तक इस तरह का कभी सत्र नहीं देखा, ना किसी सत्र के अंदर ऐसी सरकार का इतना अहंकारी रूप मैंने देखा जो नजदीक से दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में इस बार देखने का मौका मिला। तो ये मोदी सरकार हो केंद्र की या हरियाणा की भाजपा जजपा की सरकार हो, दोनों सरकारों ने जिस तरीके से किसान के साथ एक तानाशाह और बेरहमी का रवैया अपनाया है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जितना लंबा आंदोलन चला है, मैं देश के किसान को अपनी ओर से नमन करता हूँ कि शांति, संयम और अनुशासन के दायरे में इतना लंबा आंदोलन, नहीं तो जब 300 शव इन धरनों से वापस आ रहे थे अपने साथी की डेड बॉडी देख के व्यथित हो सकता है कोई भी व्यक्ति, मगर किसानों ने शांति और संयम का रास्ता नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि भाजपा के नेताओं ने बारी बारी उकसाने के बयान दिए, किसानों क्या कुछ नहीं कहा, वो चीज किसी भी प्रजातंत्र में दूसरे के लिए आप शब्द प्रयोग नहीं कर सकते जैसे भाजपा के चुने हुए नुमाइंदे जनप्रतिनिधि किसान के लिए कर रहे हैं, मगर उन्होंने जो है उकसाने के बयानों को नजरअंदाज किया। यहाँ तक कि भाजपा के कार्यकर्ता इन धरनों पे, शांतिपूर्ण धरनों पे पत्थर लेके पहुंच गए और पत्थरबाजी भी करी बीच में, आपको याद होगा, और पत्थरबाजी करी और एक तरीके से एक जो है हिंसक रवैये के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे इन 3 धरनों पे एक दिन, तो ऐसा भी परिस्थिति आई।
यही कहना चाहता हूँ सरकार से, सरकार में बैठे लोगों से, कि सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों की बात सुने, जिसमें उन्होंने जो है बात सुनी नहीं इतने लंबे समय तक। और कोई भी कदम, दूसरी जिम्मेदारी ये है कि सरकार समझदारी से जो है कोई भी कदम ऐसा ना उठाए जो किसानों को जो है उकसाने वाला को कदम हो, जैसे कि पीछे एक बार मुख्यमंत्री जी ने करनाल में इन तीनों का जब बातचीत चल रही थी, उस बातचीत के बीच में इन तीनों बिलों को जो है के प्रोपेगेंडा के लिए, इनको ठीक बताने के लिए कार्यक्रम रख दिया था, वो कार्यक्रम रद्द हुआ। मगर वो जो है वो एक तरीके से बातचीत का कोई मायने नहीं रह गया था जिस दिन उन्होंने कार्यक्रम निर्धारित किया था। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि भाई सरकार जो है के में बैठे हुए जो नुमाइंदे हैं वो मामले की गंभीरता को समझे। शांति और अनुशासन इस आंदोलन की सफलता का बड़ा मूल जो है कारण है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो किसान है वो इसी रास्ते पे इस आंदोलन को बहुत भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। जिस तरह की जो ये बात आई, राजस्थान सरकार, राजस्थान पुलिस, जो भी कोई उसमें दोषी हो, क्योंकि उसके बाद कुछ राजनीतिक पार्टी का भी एक का नाम आया उसमें, तो जो भी कोई इसमें दोषी हो, कोई अगर कोई इसका पूरा अपना जो है उसमें सारे दोषियों के खिलाफ न्याय संगत अधिक से अधिक कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार को सुरक्षा का पूरा इंतजाम रखना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि असम और केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी जीतेगी, तमिलनाडु में हमारा गठबंधन जीतेगा, मुझे पूरा विश्वास है, और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हार, ठीक है, हार होगी। और मुझे जो है जो ऐसा विश्वास है कि सारी स्टेटों के अंदर भाजपा की जो सरकार है, केंद्र सरकार जो जिस भ्रमण अहंकार में, उनका अहंकार चकनाचूर होगा जब 2 मई को नतीजा आएगा। अपराध का जो ग्राफ है वो पिछले कुछ दिनों में जिस कदर बढ़ रहा है, एक तरह से जो है बेलगाम होके अपराधी किस्म के लोग घूम रहे हैं, ये हरियाणा के अंदर ये स्थिति बड़ी एक भयावह रूप ले चुकी है। ये सारी बातें आपस में कनेक्टेड है, जो हरियाणा में आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में हो गई है। आज जिस तरीके से प्रशासन पे इस सरकार का इतना जो है जो बेकाबू हो गया प्रशासन, तो ये इस सरकार ने कुल मिला के हरियाणा का भट्टा बिठा दिया, जिसमें कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर आज हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं।